प्रणय, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की कि भाई डिप्टी स्पीकर को तो ये अधिकार ही नहीं है इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का, क्या माना जाए? हालांकि है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या माना जाए कि क्या संसद को बहाल करने का आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ सकता है, ये आप संभावना देख रहे हैं? शोभना, जिस तरीके से कोर्ट ने संकेत दिए हैं उससे ये बात तो साफ लग रही है कि इमरान खान जो करना चाहते थे उसके खिलाफ अदालत का फैसला, अब तक ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो संकेत हैं उसमें इमरान खान की के फैसले के खिलाफ कोर्ट नेशनल असेंबली में जो हुआ उसके फैसले के खिलाफ जाने वाला ये वर्डिक्ट आ सकता है, और ऐसे में कोर्ट ये कर सकता है कि वो जो नेशनल असेंबली है उसे रिस्टोर करे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसे रिस्टोर कर दे, और ऐसे में इमरान को वो परीक्षा फेस करनी पड़ सकती है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये इसमें बहुत सारी पेचीदगियां इसलिए भी हैं क्योंकि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, राष्ट्रपति रिकमेंडेशन कर चुके हैं नए चुनाव करने की, तो कितने स्टेप पीछे जाएगी पाकिस्तान की ये सियासत और पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये फिलहाल देखना होगा कि रास्ता क्या निकालता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को ही इस मामले के अंदर अब रास्ता निकालना होगा कि क्या चीज पॉसिबल है, क्योंकि राष्ट्रपति डिसॉल्व कर चुके हैं, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ABP News, आपको रखे आगे।